दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है। वैसे स्टूडेंट जिनको इंटर का अपने नामांकन के लिए बहुत दिनों से इंतजार था, तो वो इंतजार अगले हफ्ते जो है ख़त्म होने वाला है। तो इसी पे वीडियो लाए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटर दाखिला जो है अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन होगा। तो इसमें जो है आप लोग का सबसे पहले इसमें आप लोग का प्रथम श्रेणी से अगर जो भी स्टूडेंट अगर आए हैं तो उन लोग को सबसे पहले नामांकन में प्रथम मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा नाम, और अपने ही ज़िले में नामांकन का मिलेगा मौका। सीटें जो है आवंटित हो चुकी हैं, तो बताएंगे कि अपने ज़िले में कैसे सीटें दे सकते हैं। तो यहां से देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले 4,13,087 विद्यार्थी को पहले चयन सूची में नाम आएगा। इनको नामांकन का मौका सबसे पहले मिलेगा। ज्ञात हो कि मैट्रिक में 5,615 छात्र द्वितीय और 3,78,980 छात्र तृतीय श्रेणी से पास हुए। अगर जो भी स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं उनको तो पहले नामांकन का अवसर जरूर मिलेगा। तो सेकेंड श्रेणी से उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सीटें काफ़ी भी रहती है, तो आप लोग घबराए नहीं। तीसरे या दूसरा जो होगा आप लोग का मेरिट में नाम जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आप लोग को अपने ज़िले में कैसे सीटें जो है चेक करना है कि कितने सीटें हैं। तो आप लोग सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे जो है सर्च कर लेना है OFSS। पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं आप लोग का, इस साइट के बारे में। इसी साइट से आप लोग का जो है इसी से आप लोग का ऑनलाइन भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। नीचे स्क्रॉल करते जाना है आप लोग का, ये डिटेल्स हैं, आप लोग इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताएंगे कैसे करना है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है व्यू कॉलेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। इस पर अब आप लोगों के सामने जो है यहाँ से जो है कॉलेज का जो है नाम निकल के आएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन खुल रहा है एकेडमिक ईयर तो रहेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सिवान, और यहाँ पर कह रहे हैं बी एस सी बी कोड। पता नहीं अगर आप लोग को तो इसको छोड़ देना है, इसे यहाँ पर शो पर क्लिक कर लेना है। शो पर क्लिक करते हैं आप लोग का इंटरफेस आएगा, देखिएगा यहाँ पे सिवान जिले के जितने भी कॉलेज हैं आप लोग के सामने निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे सिवान ज़िले में जो भी कॉलेज हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आंध्र हाई स्कूल जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंध्र हाई स्कूल में जो है आप लोग का 320 जो आर्ट्स के लिए है और साइंस के लिए 377 सीट है, कॉमर्स के लिए कोई सीट नहीं है और एग्रीकल्चर के लिए भी कोई सीट नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।